नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। पूजा अच्छा कटा है आप सबका। आज डायरेक्ट बात करेंगे स्टॉक्स की, क्योंकि पिछले जो सोमवार था उसका मैं पोस्टिंग नहीं किया था, ऑलरेडी मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। तो चलिए समय बर्बाद ना करके स्टार्ट करते हैं। आज जो लास्ट मार्केट में मूव्स किया है, तो आप अगर फॉलो करो तो इंडेक्स में अगर मूव्स किया है तो सबसे जो हेवी वेट स्टॉक्स है वही सबसे आगे कंट्रीब्यूट किए हैं निफ्टी को। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, सबसे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है हेवी वेट वही आज कंट्रीब्यूट किए, इसलिए 190-100 पॉइंट के ऊपर 190-200 पॉइंट की मूवमेंट्स आपको मिले हैं। आगे जाके देखना पड़ेगा मार्केट ऊपर जाता है या नहीं, क्योंकि अभी जो मूवमेंट किया है इससे एक चीज हो सकता है कि कल गैप अप से खुले और वही से थोड़ी सी ऊपर जाए 376 या 429, मतलब 11,376 और 11,420 या 4,430 यही इसका रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो यहां तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की। सेक्टर्स में अगर देखो तो मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस फिनेंशियल सर्विसेज के होते हैं और एनर्जी से रिलायंस आज कंट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए एनर्जी आपको दूसरे नंबर पे मिल रहे हैं। और फिनेंशियल सर्विस 140 पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूट किए हैं अगर ध्यान से देखा जाए। IT ड्रैग कर रहा था, और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, फार्मा और IT हमेशा अपने हिसाब से चलता है, और एनर्जी भी, एनर्जी का रिलायंस अगर छोड़ दो, ऑयल सेक्टर की जो बाकी स्टॉक्स है वो अपने हिसाब से करता है, उसके हिसाब से निफ्टी कभी भी पूरा कंट्रीब्यूट नहीं होता है। आपको देखना है कि फिनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड कर रहा है, उसके आधार पे आप निफ्टी को थोड़ी सी लगभग समझ सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 50 कैसे काम कर सकते हैं, ये ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी आज थोड़ी सी नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल नेगेटिव था। आप देख सकते हो यहाँ से सेक्टर कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। तो आगे जाते हैं, मुथूट फाइनेंस मैंने 7 अक्टूबर को मतलब सोमवार के लिए बताया गया था, तो देखिए उस दिन तो उसने कोई ब्रेक नहीं किया था, तो आज उसने अपर जो रेजिस्टेंस था उसका टारगेट उसने हिट कर दिया था। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके आप इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिले, और हर एक वीडियो मेरे चैनल में जाके आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज का जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, उसके नीचे कैंडलस्टिक्स का सीरीज चल रहा है उसको भी देखो, और बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका भी वीडियो आप देखो, जिससे आपको पता चले कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटन आज मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो पिछले मैंने सपोर्ट खींच के रखा था वही आप उसका रेजिस्टेंस है, वही पे जाकर रुका है जो 1235 की लेवल्स थे। तो ध्यान रखना कि कल अगर टाइटन इसके ऊपर क्रॉस हो गया तो यहाँ पे बीच में एक गैप डाउन है, ये जो गैप डाउन है यही इसका रेजिस्टेंस होगा जो लगभग 1255 है। तो ऊपर अगर आपको क्रॉस करने मिलते हैं तो 1255 तक स्टॉक्स जा सकते हैं टाइटन, तो वो देखना है। अदरवाइज अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो टाइटन, क्योंकि आज नेगेटिव खुला है, अगर फिर से कल नेगेटिव आएगा तो यहां से कोई बियरिश इनगल्फिंग या कोई भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न आपको मिलता है तो सेल करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। मगर ध्यान में रखना होगा कि ये जो माइनर सपोर्ट है वो मैं दिखा दूं, ये जो माइनर सपोर्ट है यहाँ पे बहुत देर तक वो रुके थे, तो ये माइनर सपोर्ट जो 1213 है उसके नीचे आना चाहिए तभी आपको सेल करना पड़ सकता है। मगर फिर भी अगर रिवर्सल पैटर्न आ गया तो थोड़ी बहुत तो नीचे आएगा, मगर जब तक 1213 के नीचे नहीं चलेगा तब तक शार्प मूवमेंट नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 1213 के नीचे एक तो रिवर्सल पैटर्न आना जरूरी है, उसके बाद 1213 के नीचे ट्रेड होना जरूरी है तभी आप सेल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ऊपर अगर ब्रेक मिल जाता है तो 1255 तक आपको टारगेट मिल सकता है टाइटन में। आप जो नया स्टॉक्स मैं बताऊंगा वो तीन स्टॉक्स है, उसमें से पहले बजाज फाइनेंस की बात करूंगा। बजाज फाइनेंस लास्ट जो आधा एक घंटे था उसमें अच्छी मूवमेंट्स मिले हैं, इसको ब्रेकआउट मिले हैं आप देख सकते हो। अब इसने 4031 इसका अभी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर चलना जरूरी है, तो लगभग 4040 के ऊपर अगर आपको ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो जैसे ही आप सुबह पहले 15 मिनट को देख लेना, पहले 15 मिनट देखने के बाद आप
फॉलो करना कि ये स्टॉक्स 4100 तक फिर से ये अपना हाई लगा सकता है। तो ये अगले दिन बाई के लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके कि अगर मार्केट ऊपर चलते तो बजाज फाइनेंस में एक गैप अप आ सकते हैं और ऊपर जाने के लिए 4100 उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, नया हाई भी बन सकते हैं। तो वे आपको कल के लिए मार्केट के लिए देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से नीचे गिरता है, अगर ये रेजिस्टेंस टूटता नहीं है या तो थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर बाउंस करके नीचे आते हैं, तो मार्केट में या तो वो साइडवाइज हो सकता है या तो फिर से वो 3960 तक फिर से आ सकता है, ये इसका सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखते हुए बजाज फाइनेंस रखना। ज्यादातर मैं प्रेशर दे रहा हूँ बाय के लिए, क्योंकि मार्केट जैसे आज बंद किया है, कल मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकते हैं, इस वजह से मैं बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी दाव लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज से है। सो 4100 पहला टारगेट होगा, 4031 उसका अभी रेजिस्टेंस है, उसको ऊपर चलना जरूरी है। आपको देखना है पहला 15 मिनट क्या कर रहा है, उसके ऊपर आप डिसाइड करके 5 मिनट 15 मिनट हर एक टाइम फ्रेम 1 घंटा सबको देख के आप देखोगे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करने की कोशिश करना। नेक्स्ट स्टॉक्स IOC है, ऑयल सेक्टर से है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ऊपर का ट्रायंगल का पैटर्न का ऊपर का चैनल अगर टूट जाता है वो लगभग मैं बता देता हूँ 150 के ऊपर अच्छी बुल कैंडल करके एक बंद होता है कोई कैंडल 15 मिनट में या 30 मिनट में, तो इसमें थोड़ी सी खरीदारी आ सकती है। टारगेट 152-154 इसका होगा। नीचे का अगर बेस टूट जाता है, लगभग आप कह सकते हो 147.50 अगर टूट जाता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर आने वाला है। 145-143 ये दो इसका टारगेट हो सकते हैं अगर कल मार्केट में IOC नेगेटिव मिले। एनर्जी सेक्टर भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, IOC को नीचे बेसलाइन टूटते हुए दिख रहा है और उसके साथ साथ एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बन रहा है, तो 145-143 इसके टारगेट आराम से मिल सकते हैं आपको। जब भी आप 147.50 के नीचे टूटेगा तो आप 149 या 148.50 का स्टॉप लॉस लगा देना। अगर ऊपर का 149 या लगभग 150 के ऊपर अगर चलते हुए दिखते हैं तो 148.50 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है, IOC आप डक देना। लास्ट स्टॉक्स बट नॉट द लिस्ट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि अभी भी ये सेलिंग स्टॉक्स है मगर ऐसी जगह पे बने शॉर्ट एक चैनल बना हुआ है, इस शॉर्ट चैनल के ऊपर अगर ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ी जगह है, 300 रुपए तक फिर जा सकते हैं, मगर इतना एक दिन में तो होगा नहीं। तो लगभग अभी के लिए जो टारगेट्स आपके लिए होंगे वो यहाँ पे होंगे जो 263 है, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोलेटाइल है, एक दिन में 5-7% आपको मिल सकता है। अगर एक छोटी सी अपर चैनल टूट के अगर बंद हो जाता है तो इसमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं आपको, इसलिए मैंने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस रखा। आईबुल हाउसिंग का पहला टारगेट 264.65 तक आपको मिल जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस जो अपर चैनल है जो 246.73 है या 247 है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ी सी 245 के नीचे लगाना होगा। जब ये स्टॉक लगभग 247, 248 या 250 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी इसमें संभव है, और ये पहले 15 मिनट में अगर ब्रेक करेगा तो पहले ही 15 मिनट 4-5% दिख सकते हैं आपको, इससे डरना नहीं है, चार्ट समझना जरूरी है। सॉरी, नीचे का 230 रुपए जब तक ये टूटते नहीं है तब तक सेल करना नहीं है। 230 रुपए के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो 230 से थोड़ी सी ऊपर स्टॉप लॉस, मतलब 231 या 232 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राउंडिंग करूं तो क्योंकि इसमें हाई वोलेटाइल है तो 235 कर सकते हो, ये मैक्सिमम कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है। नीचे 215 इसका पहला टारगेट होगा, मगर अगर ये नीचे टूटता है तो नया लो बनाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। आप 210 205 तक भी देख सकते हो अगर सेल होता है आईबुल हाउस, क्योंकि आज मूवमेंट किया नहीं है, खराब है अभी भी, निगेटिव अगर स्टार्ट होता है तो 215 के नीचे भी जा सकता है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो सेल कैंडिडेट के लिए पहला प्रेफरेंस है, मगर ऐसी जगह पे बैठा हुआ है ऊपर जाएगा तो भी मूवमेंट आपको मिलेंगे। सो इसलिए मैंने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को रेडार पे रखा है कल के लिए। तो 3 स्टॉक्स IOC, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये तीनों स्टॉक्स आपको कल के मार्केट के लिए रखना जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा।
सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।